BNM का आज दूसरा दिन है, कैसा रिस्पांस है, किस तरह से देखते हैं आप? BNM ने काफ़ी अच्छा होस्ट किया है, काफ़ी पार्टिसिपेंट्स रहे हैं यहाँ पर, इसके लिए फुटफॉल भी अच्छा है, कस्टमर्स भी काफ़ी क्वालिटी कस्टमर्स मिल रहे हैं जो काफ़ी वक्त हमारे साथ टेबल पे बिता रहे हैं प्रोजेक्ट को समझने में। हमने कुछ साइट विजिट्स भी अभी तक यहाँ से कर ली है और होपफुली पार्टिसिपेशन कस्टमर्स का काफ़ी बढ़ जाए। वीकेंड है अभी, काफ़ी बाकी है, दो दिन और है बाकी, सो होपफुली अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ से मिले। थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या प्रोजेक्ट की खासियत है, क्योंकि बहुत पुराना ब्रांड रहा है अरिहंत और लोगों को पसंद रहा है। सो प्रोजेक्ट्स की खासियत हम आपको ये बताऊंगा कि हम काफ़ी क्लिनिकल कंस्ट्रक्शन में बिलीव करते हैं और उसे ही बनाते हैं। सो बेसिकली हम कस्टमर सेफ्टी पे काफ़ी फोकस करते हैं और टेक्निकली राइट प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट काफ़ी एक्सेप्टेड है मार्केट में। क्वालिटी वाइज कस्टमर्स को काफ़ी पसंद भी आता है, लोगों को हमारी डिज़ाइन भी अच्छी लगती है और हम टाइमली डिलीवर करते हैं, इसकी वजह से कस्टमर्स हमेशा हमें प्रेफर करते हैं। क्या बजट से क्या बजट तक है, क्योंकि बजट ही सब मेन रहता है जब घर खरीदने लोग आते हैं। बजट्स बोलूँ तो अरिहंत सब कुछ ऑफर कर सकता है। हम 22 लाख के रेंज के फ्लैट से लेकर 3 करोड़ तक का फ्लैट ऑफर कर सकते हैं उनको। हमारे पास सब तरीके के, सब टिकट साइज़ के प्रोडक्ट्स रहते हैं, इसलिए हमारे पास कोई भी कस्टमर आता है तो वो कभी वापस नहीं जाता। अच्छा, और लोकेशन कौन कौन से जो अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके आ रहे हैं, कौन कौन से लोकेशन? अभी हमारे पास लोकेशन जिनमें हम ऑपरेट कर रहे हैं, बेसिकली फलस पे पनवेल में हम कर रहे हैं अरिहंत एस्पायर के नाम से, खारगर में हम कर रहे हैं अरिहंत आलीशान के नाम से, तलोजा में अरिहंत अनायका, अरिहंत अनंत के नाम से अरिहंत अमीशा है हमारा वहाँ पर प्रोजेक्ट, आलोकी जो करजत में है वहाँ पर हम कर रहे हैं अरिहंत आराध्या, कल्याण में जो फोकस्ड है खड़कपाड़ा में उधर हमारा प्रोजेक्ट है, शीलफाटा में है, तो बेसिकली काफ़ी सारे MMR रीजन्स में हमारे प्रोजेक्ट्स रहे हैं। वासी का प्रोजेक्ट आपका बहुचर्चित प्रोजेक्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ज़्यादा लोग वहीं पे विजिट कर रहे हैं। वासी का प्रोजेक्ट काफ़ी हमारे लिए भी प्राइम रह चुका है और काफ़ी इम्पोर्टेंट रह भी चुका है, हमारा सिग्नेचर प्रोडक्ट भी है। वहाँ पर कस्टमर विजिट्स काफ़ी अच्छी मिली है हमको, कुछ महीनों से दिवाली के बाद से काफ़ी बुकिंग्स भी मिल चुकी है। प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज, लोकेशन वाइज काफ़ी अच्छा रहा है, सेक्टर 9 वाशी काफ़ी प्राइम एरिया है, सारी विसिनिटी से आपको प्रोजेक्ट के पास में ही आपके लिए टेंपल है, गार्डन्स है, तो बेसिकली देखने जाओ तो लोकेशन वाइज काफ़ी प्राइम एरिया है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जैसा कि आपको बता दें कि एग्जीबिशन का आज दूसरा दिन है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो विजिटर्स आ रहे हैं जेन्युइन विजिटर्स आ रहे हैं, जो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए वो विजिटर्स यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनीस बाबर के साथ, उनके जर्नलिस्टिक रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई।